मैंने तुमको कही रखी जे इंग्राजी बहुत सहज समस्ते चाहिबो इंग्राजी रे भल मार्क रखापी आ इंग्लीश को देखिके डरबो ना कि इंग्लीश रो लैंग्वेज देखिकी कि इंग्लीश रो अक्षर देखिकी तुम जो पढ़ी जाऊ सेमती करिबो ना स्ट्रॉन्गली कॉन्फिडेंटली साहस रो सहित तुम्हें कौन करिबो ना इंग्राजी टी को पढ़िबो आउ केते गुडे ट्रिक्स मु कहूँ मुझे तुमको किसी ट्रिक्स बतईदेवी आज आलोचना करवा आम ये पाई चार्ट तुम पाई चार्ट आसे से पाई चार्ट को जो डाटा इंटरप्रिटेशन कहती डाटा से पाई चार्ट रे गुड़ाए डाटा दे थाए हेला से पाई चार्ट रे गुड़ाए डाटा दे थाए से डाटा को एमिति समस्त बुझीपारती तेणु डाटा को इंटरप्रिट करिया पड़े इंटरप्रिट माने कौन पिला माने इंटरप्रिट माने बुझे लिखा पड़े से जो डाटा टी बुझे लिखा पड़े ये डाटा टी विश्लेषण करिया को पड़े से डाटा टी एक्सप्लेन करिया को पड़े एक्सप्लेन करी गोटे पाराग्राफ रे लिखिले समस्ते बुझीपारे से जो डेटाटा अच्छी से डेटाटा को इंटरप्रिट करिवा को कहंती डेटा इंटरप्रिटेशन हेला से जो डेटाटा को इंटरप्रिट करिवा बा डेटाटा को एक्सप्लेन करिवा बा डेटाटा को बुझे के लिखिवा सेटा कहंती डेटा इंटरप्रिटेशन बुझिले पिला माने एठी आमे देखिवा ए जो गुटिए क्वेश्चन 2019 मसिया रे आसीथिला पुला तुमरो ए जो पाई चार्ट केति सहज देखो ए प्रश्न भितरे ही सब आंसर निहित देख से प्रश्न कौन कहूँ से प्रश्न कौन कौच देख द पाई चार्ट एटा देख पाई चार्ट लिखाई ना नहीं द पाई चार्ट गिवेन बिलो माने गिवेन बिलो माने तले जो पाई चार्टा दि जाइए जो पाई चार्ट कंटेन्स डेटा मान ता भितर किसी डेटा अच्छी है बुझिपार कंटेन्स डेटा गोटे डेटा अच्छी केते गुड़ाक डेटा अच्छे जमती कि 10% 12% 30% एमती सब अच्छे तो डेटा किसी अच्छी से डेटा को से डेटा कौन ना ऑन वेरियस वे विभिन्न प्रकार अच्छी चारिपटे एमती अच्छी 12% 10% 30% करके अच्छी पिला माने तेणु से डेटा रे कौन अच्छी ना इन वेरियस वे कौन कहा ऊपर अच्छे ना मिस्टर महांती गोटे लोक गोटे पर्सन मिस्टर महांती हु हाज एन एनुअल सेविंग हु हाज एन एनुअल सेविंग एटी पर्सन कहा विषय कहा मिस्टर महांती विषय कहा तो मिस्टर महांती हु हाज एन एनुअल सेविंग ऑफ रुपीज 1 लाख ओके एनुअल सेविंग एनुअल सेविंग हूँ 1 लाख ओके इन्वेस्ट सेव्स इज मनी से इन्वेस्ट भी करती आउ सेव करती सेव माने कौन संचय करवा तुम्हें जाच छोट छोट जिनस जाणी दरकार इंटरप्रिटिंग द डेटा माने डेटा को इंटरप्रिट कर एक्सप्लेन कर बुझे लिखि राइट ए पाराग्राफ कौन करा पड़ो राइट ए पाराग्राफ अफ 70 वर्ड्स राइट ए पाराग्राफ अफ 70 वर्ड्स से 70 वर्ड्स कही तेणु तुम्हें पाराग्राफ्टा लिखिबो 70 वर्ड्स टिके अधिक हेले भी चलिबो तेणु पाराग्राफ्टा लिखिबो मिस्टर महांतीस कौन पाराग्राफ लिखिबो ऑन मिस्टर महांतीस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट देख पिला माने ए जो पाराग्राफ्टे लिखिया पई कहिछि कौन करिबो पिला माने क्वेश्चन लिखुचंती पिला माने से जो पाई चार्टटा करुचंती तयारी करुचंती गोटे जेमती कि ड्रॉइंग मास्टर तुम्हें ना तुम्हें कौन कर एटी देख क्वेश्चन लिखी कौन राइट ए पाराग्राफ ऑफ 70 वर्ड्स ऑन मिस्टर महांती सेविंग्स इन्वेस्टमेंट तुम्हें पूरा डायरेक्टली लिखिदल उपरे कि मिस्टर महांती सेविंग्स अब्लिक इन्वेस्टमेंट अरे से क्वेश्चन भितर तो आंसर अच्छी तो कौपर लिखिब ना यही पारा पाई चार्टा कौन कौन मिस्टर महांती सेविंग अब्लिक इन्वेस्टमेंट उपर हेडिंग लिखिदल मिस्टर महांती सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट तापर देख कौन लिखिबो तापर एटी देख एटी आंसर लुचिछि एटी देख लिखाई मिस्टर महांती हु हाज एन एनुअल सेविंग ऑफ रुपीज 1 लाख हैला
ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ବି ତୁମେ ଯଦି ଲେଖିଦେବ ଟିକେ ବନେଇକିରି, ତୁମର କାମ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ହୁଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ହାଜ୍ ଆନ୍ ଆନୁଆଲ୍ ସେଭିଂ ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଲେଖିଦେଲ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ, ତୁମେ ଲେଖିଦେଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ହାଜ୍ ଆନ୍ ଆନୁଆଲ୍ ସେଭିଂ, ହାଜ୍ ଲେଖିଛି। ତୁମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାରରେ ଅଲଗା କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଠି ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ନା, ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି, ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଏଇଟା ଲେଖିବ, ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ହାଜ୍ ଆନ୍ ଆନୁଆଲ୍ ସେଭିଂ ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ 1 ଲକ୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଭ୍ସ ହିଜ୍ ମନି। ଦେଖ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ, ସେଇ ପାରାଫ୍ରେଜ୍ଟାକୁ ତୁମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ ବା ୟୁଜ୍ କରିବ। ଦେଖ ସେଭ୍ସ ହିଜ୍ ମନି, ହି ସେଭ୍ସ ହିଜ୍ ମନି। ଦେଖ ଥରେ ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ତୁମେ ହି ଲେଖିବ। ଯେମିତିକି ରାମ ଇଜ୍ ଏ ବୟ, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ତ ରାମ ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଲେଖିପାରିବନି ନା, ତୁମେ ହି ଲେଖିବ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଦରକାର। ରାମ ଇଜ୍ ଏ ବୟ, ହି ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ। ସେମିତି ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ହାଜ୍ ଆନ୍ ଆନୁଆଲ୍ ସେଭିଂ ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଆଉ କ'ଣ ନା, ହି ସେଭ୍ସ ହିଜ୍ ମନି। ତାପରେ କେମିତି କେମିତି ସେଭ୍ କରି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ, ବାସ୍। ଏଠି ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଭ୍ସ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ସେଠି କ'ଣ ନା ସେଭ୍ସ, ହି ସେଭ୍, ସେଭ୍ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କରେ, ଇନଭେଷ୍ଟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କରେ। ଏଇଠି ପାରାଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇ ଚାର୍ଟଟା ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖ ପାଇ ଚାର୍ଟରେ ଏ ଯେଉଁ ପାଇ ଚାର୍ଟଟା ଅଛି, ଦେଖ ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତୁମେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଟିକେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ, ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇଠି ଦେଖ 38%, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ, 38% ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ, ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବା FD ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ସେ ସେଭିଂ କରନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଠି ସେଭିଂ କରନ୍ତି ନା, 30% RD ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ଲେଖାହେଇଛି ପୁରା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସିଏ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ସେଭିଂ କରନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପଇସା ଲଗାନ୍ତି, ଲଗେଇବା ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟ, ପଇସା ଲଗାନ୍ତି କେଉଁଠି ନା, ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ 12% ଲଗାନ୍ତି, ସେୟାର୍ସରେ 10% ଲଗାନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ 10% ଲଗାନ୍ତି। ଏତିକି ତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ତ ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ତୁମେ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖିଲ ଯେ ସେଭ୍ସ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଗଲ, ଏଠି ସେଭ୍ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କରନ୍ତି, ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ଆଉ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ, ତା'ପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି, ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ, ସେୟାର୍ସରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ସେଇ ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ହି ସେଭ୍ସ ଖାଲି ଲେଖ ନା, ସେଟା ଲେଖିଦିଅ, ହି ସେଭ୍ସ 38% ଇନ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍, କିମ୍ବା ହି ସେଭ୍ 38% ଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଇନ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିଲ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ସେଭ୍ ନା, ହି ସେଭ୍ସ କେତେ 30%, ଏଠି ହି ସେଭ୍ସ 30% ଇନ୍ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ବାସ୍, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖ, ହି ସେଭ୍ସ 30% ଇନ୍ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ତାପରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଇନଭେଷ୍ଟ ଲଗେଇଦେବ, ହି ଇନଭେଷ୍ଟ, ଦେଖ ଏସ୍ ଲଗେଇବ ଇନଭେଷ୍ଟ, ହି ଗୋଜ୍, ହି ଇଟ୍ସ, କାହିଁକିନା ଆଇ ଗୋ, କିନ୍ତୁ ହି ଲେଖିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏସ୍ ବସିବ, କୌଣସି ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ବସିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଲେଖୁଛ, ତେଣୁ ହି ଇନଭେଷ୍ଟସ୍ ଏସ୍ ଲାଗିବ ହେଲା। ସୋ ହି ଇନଭେଷ୍ଟ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି, ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଲେଖିଦେବ ହି ଇନଭେଷ୍ଟ 12% ଅଫ୍ ମନି ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ହି ଇନଭେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପୁଣି, ହି ଇନଭେଷ୍ଟ 10% ଅଫ୍ ସେଭିଂସ ଇନ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡସ, ତାପରେ ହି ଇନଭେଷ୍ଟ 10% ଅଫ୍ ସେୟାର୍ସ, 10% ଅଫ୍ ସେଭିଂସ ଇନ୍ ସେୟାର୍ସ। ବାସ୍, ଏତିକି ତ କାମ ପିଲେ, ଏଇଠି ଖାଲି ଦେଖିବ ଲେଖିବ। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ଲେଖିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖ
मुटा बुझेदेली तेणु देख केमी लिखा देख मु लिखिदेची आंसरटा देख पाने जिते बीटा मुझे तुम्हें कौन करना खाता पेन धरिकी बसीज एटा प्राक्ट कर भिडटा बारंबार देखिकी प्राक्ट कर मन रखला तेणु कौन लिख ना मिस्टर महांती हाज एन एनुअल सेविंग्स ऑफ रुपीज 1 लाख जहाँ लिखाई से लिखिदेली देख मिस्टर महांती हाँ हु हाज लिखाई हाज मिस्टर महांती हाज एन एनुअल सेविंग ऑफ रुपीज 1 लाख बस गोटे सेंटेन्स तो होगा अरे गोटे सेंटेन्स होगा तुम अधा मार्क आसीगला तापर देख हि सेवस लेकिन लगेल हि सेवस 38% ऑफ हिज टोटल सेविंग इन बैंक एज फिक्स डिपोजिट तापर लिखल एंड 30% ना थर लिख गोटे सेन्टेन्स हि सेवस 30% इन पोस्ट ऑफिस एज रिकरिंग डिपोजिट तापर लिखल कौन हि इन्वेस्ट 12% ऑफ हिज सेविंग इन लाइफ इन्सुरांस तुमको बुझेली तापर कौन लिखल हि सेवस आउ थर भी लिखिदेव हि सेवस 10% इन म्यूचुआल फंड्स एंड अदर 10% इन बाइंग सेयर्स सेयर को बाय करती ना खाली सेयर्स लिखले भी चलो केते इजी देख केते सहज इंग्रजी बहुत सहज एटा 5 मार्क देख एक एक मार्क को तो साउंड टिकरी तुम्हें अधिक 90 मार्क कर कि 95 मार्क कर पाने तेणु एटा 5 मार्क 5 मार्क जब पाइल तेल देख 5 मार्क एड हो पाने देख के इंग्रजी में फेल कहीं सब सब्जेक्ट पास कर इंग्रजी में फेल कहीं इंग्रजी को टी ध्यान दि पाने ध्यान दि देख ये लिखि सारल तापर कौन ना सब बेले जो पाए चार्टा को जिते बेले डेस्क्राइब करुच दीटा पाराग्राफ डेस्क्राइब कर गोटे तो से डेटा गुड़ा को लेकिन डेस्क्राइब कल आउ गोटे कौन कर आउ गोटे कौन कर कौन ऑब्जर्वेशन कल कौन देख लरे देख ये तुम्हें कौन देख ना ये जो मिस्टर महांती जो एत बढ़िया करुंती इनभेस्ट करेव कर सी जड़े कौन चालाक लोक सी जड़े बुद्धिमान लोक तेणु कौन लिख तुम मनर गोटे इच्छा करके लिख कि मिस्टर महांती इज ए आ गोटे पाराग्राफ सेकेंड पाराग्राफ जोटा मिस्टर महांती इज ए वाइज पर्सन माने बहुत ज्ञानी पर्सन है मिस्टर महांती इज ए वाइज पर्सन ही सेव्स सफिशियंट मनी और ही सेव्स मनी फॉर हिज फ्यूचर एति लिखि दी परबो से सम्मान सहज सेंटेंस लिखो ना पूरा सहज सेंटेंस ही सेज मनी फॉर हिज फ्यूचर तापर आउ देखिलो जहा टिके ये करिके लिखिबो जमिति कि हाईएस्ट ही सेव्स हाईएस्ट सेविंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक्स कौन लिखिबो ही सेव्स हाईएस्ट सेविंग्स इन फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक्स आउ कौन लिखिबो ही सेव्स इन इन्वेस्ट ऑल्सो ही सेव्स इन अदर सेविंग ऑल्सो अदर सेविंग ऑल्सो लिखिदेल देख इतिक लिखिदेल तुमको मार्क मिल जाव देख पाने सेकेंड पाराग्राफ कौन लिखिपर ना फ्रॉम द पाई चार्ट वी केम टू नो दैट से पाई चार्ट लिख लईटा सब बेले मन रख सेंटेन्सटा मैंने मन रखिदि मन रख दि घुस दियो फ्रॉम द पाई चार्ट एटा पाई चार्ट हो पारे टेबल हो पारे कौन सी भी ग्राफ हो पारे तेणु जहाँ दे क्वेश्चन अनुसार से लिख फ्रॉम द पाई चार्ट वी केम टू नो दैट मिस्टर महांती इज ए वाइज पर्सन मिस्टर महांती गोटे ज्ञानी पर्सन वाइज पर्सन ही सेव्स हिज मनी इन वेरियस वेज ही सेव्स हिज मनी फॉर हिज फ्यूचर आउ दीटा आउ गोटे सेंटेन्स भी लिखिपर ही सेव्स हिज हाइएस्ट सेविंग ही सेव्स हिज हाइएस्ट सेविंग इन बैंक एज एफ डी एफडी मैंने कौन फिक्स डिपोजिट है ना दैट इज 30% ही सेव्स द हाइएस्ट सेविंग इन एफडी व फिक्स डिपोजिट इन द बैंक एतिक तो लिखिदे पाने तेणु मन रख पाने साहस हारणी साहस रख सब सहज इंग्रजी बहुत सहज तुम्हें माने टिके टिके पढ़
आउ प्रैक्टिस कर पिला माने वीडियो खाली सुनले माने प्रैक्टिस कर वीडियो देखी करी खाता पेन रख खाता रे कौन करिवो ए जो पाई चार्ट को देखिवो मु जेंती बुझौची सेंती प्रैक्टिस कर सेंती प्रैक्टिस कर देख बारंबार पढ़ बारंबार प्रश्नटी पढ़ देख ता संगे कथाबार्ता कर ए जो प्रश्न सहित कथाबार्ता कर ताको भल पाओ ए प्रश्नटी को भल पाओ बारंबार कह प्रेम कर ताको भल पाओ ए प्रश्नटा को जहाँ पर कौन तुम्हें बुझी पार पिला माने ए बुझी पारले टिके टिके बुझी पारले टिके टिके लेखिले धीरे धीरे प्रैक्टिस करले तुम निहाती इंग्राजी रे बहुत भल मार्क रखि परिबो ए पांच मार्क जो पाए डायग्राम बा पाई चार्ट मु कथाबार्ता कली आज डिस्कस कली तुमको नेक्स्ट मु मध्य आ अलगा चार्ट विषय डिस्कशन करी अलग केमी भल मार्क पाइपर आज तो पांच मार्क डिस्कशन कली पे मैंने तेणु ये भिडटी मुझे सब सांग मानक सेयार कर कहीं से जानवा दरकार ट्रिक्सटा कौन यश्न भितर लुचिच आंसर यश्न भितर लुचिच आंसर आ बहुत सहजता को आंसर करवा बहुत बहुत धन्यवाद पे सेयार कर लाइक कर बहुत सांग मानक सेयार कर समस्ते जानवा दरकार इंग्राजी समस्ते पास होगा दरकार एवं समस्ते पास होगा दरकार सी एच एस सी आर्ट्स किंबा विज्ञान किंबा वाणिज्य तो भिडटी विज्ञान वाणिज्य आर्ट्स समस्त ओके बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच समस्ते सुखर रहंतु आनंद रहंतु शांति रहंतु आ समस्ते भल मार रहंतु बहुत बहुत धन्यवाद।